ब्रजेश ठाकुर के जेब से नंबर मिली थी, उसमें लगातार एक मंत्री का फोन था और वह फोन आज तक मंत्री जी का बंद है। उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही? और मंत्री जी फोन क्यों बंद रखे हुए? मेरा सीधा आरोप है, मंत्री जी अपना निजी फोन आज तक ब्रजेश ठाकुर के जेल में छापे के बाद, नंबर मिलने के बाद उनका फोन क्यों बंद है? और कौन मंत्री जी हैं जिसका बेटा सीधा मंटू शंभू से बात करता है? और कौन ऐसा राजनीतिक व्यक्ति है, एमएलए है, एमएलसी है, जो कौन है भूषण झा, जो सहारा के जमीन के चलते इसमें कौन सी बड़ी खेल है? इसीलिए मैं इसमें इंक्वायरी चाहता हूं। एक हाथ नहीं है और इसको दबाने की इस घटना को पूरी कोशिश की जाए, और इस दो परिपेक्ष के कारण एक समीर जी की रियल मरवाने वाले अपराधियों तक हरप्रीत कौर पहुंच रही थी, और दूसरा जेल का वो पुर्जा, दोनों कारणों से ट्रांसफर हो गया। आईजी छुट्टी पर चले गए, बिहार के उप मुख्यमंत्री जी अपराधी से 15 दिन का समय मांग रहे हैं, 60 AK-47 मुंगेर में पकड़ाए लगातार, और उस AK-47 पकड़ाने वाले उसकी जांच हो, किस मंत्री का टेलीफोन नंबर पकड़ाया और किस मंत्री का टेलीफोन बंद है और किनके कहने पर तबादला हुआ, जब अभी इंक्वायरी फर्स्ट पीरियड में था और इंक्वायरी चल रही तो इंक्वायरी के बीच में ही ट्रांसफर, क्या एक साजिश नहीं है समीर जी की हत्यारे को बचाने की? एक बड़ी साजिश, सीधा मंत्री की बात आप कर रहे हैं, जो नाम पकड़ा गया वो तो ब्रजेश ठाकुर वाले मामले में, इस मामले में तो आपने आरोप लगाया कि एक मंत्री के पुत्र की का हाथ बताया जा रहा है, कौन मंत्री हैं भैया? कौन से मंत्री हैं जिसका पुत्र लगातार अपराधियों के टच में है? कौन से एमएलए एमएलसी हैं और कौन ऐसा लोग है जो सहारा के जमीन के दलाली में 100 करोड़ से ऊपर पैसा खाया है? और क्या समीर जी का जमीन के साथ पॉलिटिकल दोनों के बीच की मौत का नंगा तांडव नहीं? यही तो मेरा सवाल। आप भी नाम नहीं लेना चाहते मंत्री जी का? या मैंने मंत्री कह दिया तो नाम का क्या सवाल है? मैं तो मंत्री कह दिया, अनुसंधान तो पुलिस को करना है ना। मैं तो पहले दिन ही एक एमएलसी का नाम लिख दिया था, क्यों विदेश में, क्यों चुप है सरकार? और अभी जब जांच की प्रथम प्रक्रिया थी तो फिर तबादला क्यों? यही तो मेरा सवाल है।